नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के सन सिटी ग्राउंड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट वसई विरार महानगर पालिका ने डेवलप किया हुआ है। यहाँ लोगों को यहाँ सेल्फी लेने के लिए वसई विरार महानगर पालिका प्रोत्साहित करती है। अच्छी बात है कि महानगर पालिका ने यह सेल्फी पॉइंट बनाया, लेकिन इस सेल्फी पॉइंट की हकीकत हम आपको दिखाने आए हैं। इस सेल्फी पॉइंट से लगकर यहाँ हम अभी खड़े हैं, इस समय में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ मच्छर है। यहाँ खड़े रहना, रह पाना दुर्भर हो रहा है। वसई विरार महानगर पालिका का आरोग्य विभाग आखिर करता है क्या है, ये सवाल है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, 14 जनवरी, उस लिए यहाँ सन सिटी में काफ़ी भीड़ है। और ऐसे में यहाँ आप देख सकते हो कि मच्छरों का इतना बड़ा प्रकोप बढ़ा हुआ है। हालांकि वसई विरार, पूरे ही वसई विरार परिसर में मच्छर काफ़ी ज़्यादा तादाद में है ही, लेकिन खासकर यहाँ जब आज इतनी पब्लिक आई हुई है तो महानगर पालिका ने यहाँ क्या दवाई का छिड़काव किया। महानगर पालिका को ये बात भली भांति मालूम है कि हर साल यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होता है और लाखों हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए क्या स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर मच्छरों का दवाई का छिड़काव किया कि ताकि ये मच्छर जो है ख़त्म हो जाए। तो ये बड़ी लापरवाही वसई विरार महानगर पालिका की हम देख सकते हैं। आपको हमने अभी कैमरे पर दिखाया, आप देख सकते हो इतने मच्छर है कि यहाँ खड़ा रह पाना, यहाँ तक कि बोलते समय ये डर रहता है कि कहीं मच्छर मुंह में ना चला जाए, इतने मच्छर यहाँ पर इस समय है। वसई विरार महानगर पालिका के भी आला अधिकारी यहाँ आते होंगे तो क्या उनको दिखता नहीं है? और हमेशा का रोज का तो है ही, वसई में इतने मच्छर है ही है। हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ, फिर चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, उनके पनपने का कारण मच्छर रहता है। एक तरफ महानगर पालिका लोगों को कहती है कि मच्छर पैदा ना हो, उसके लिए आप ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन जहाँ गटर है, जहाँ इस तरह के हालात है, वहाँ क्या महानगर पालिका मच्छर की दवाई का छिड़काव कर रही है? और अगर दवाई का छिड़काव हो रहा है तो क्या वो असर क्यों नहीं कर रहा है? इसमें क्या किस तरह का घोटाला है, ये बड़ा सवाल है। और जब आज ये कार्यक्रम था तो क्यों नहीं यहाँ पर व्यवस्था की गई, छिड़काव किया गया, या जो धूल फरावनी है वो की गई, ये सवाल बड़ा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हाँ, नहीं ना कल सर। यार मैडम, कहाँ रहते हैं आप? सन सिटी ओ सनशाइन बिल्डिंग में। मैडम, यहाँ मच्छर इतने दिखाई दे रहे, कुछ समस्या है क्या आपको? हाँ है ना, बहुत समस्या तो रहेगी ना, कभी उसके काटने से भूखा रहता है, कुछ और भी हो जाता है, तो नगर पालिका को कुछ करना चाहिए। दवाई ववाई आते हैं मगर कभी कभी दवाई छाने, इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो कुछ तो करना चाहिए ना। अभी वो इतना बड़ा गटर है, यहाँ गटर के पास ही इतना ही है कि आपके घर के वहाँ भी इतने? घर पे ही है, घर पे तो दरवाजा और बारी बंद नहीं करेंगे, खिड़की तो अंदर भी आ जाता है, बहुत आता है, बहुत मच्छर का त्रास है। क्या कहना चाहेंगे महानगर पालिका को? उनको उसको कुछ करना चाहिए ना, मच्छर के लिए कोई दवा बवा के कोई छटना चाहिए। और एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।